दिसंबर 2006 से पहले नोएडा के निठारी गांव के बारे में किसी ने नहीं सुना था। दिसंबर 2006 में देश के हर न्यूज चैनल ने देश के हर घर में निठारी गांव को मशहूर कर दिया। आज निठारी का नाम सुनते ही हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार क्या हुआ था निठारी में? नोएडा के सेक्टर 31 के करीब स्थित एक गांव निठारी। निठारी गांव की एक 14 साल की लड़की रिम्पा हालदार पानी की टंकी के पास अकेली खेल रही थी। इसी टंकी से गांव में पानी सप्लाई किया जाता था। उस दिन के बाद रिम्पा हालदार कभी घर नहीं लौटी। ये निठारी टैंक के पास खड़ी थी, वहां से लापता हो गई सर। क्या नाम बताया? रिम्पा के पिता अनिल हालदार ने निठारी पुलिस चौकी में रिम्पा के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की। करीब एक महीने बाद कुछ और बच्चे भी उसी पानी की टंकी के पास खेल रहे थे। उनमें से भी कोई कभी घर नहीं लौटा। अगले 6 महीनों में निठारी के पुलिस थाने में बच्चों के गुम हो जाने की कई शिकायतें दर्ज की गई। ऐसा माना जाने लगा कि उस पानी की टंकी के पास कोई भूत प्रेत था जो बच्चों को उठा ले जाता था। पुलिस ने उस पानी की टंकी और आसपास के इलाकों में खोजबीन की। लेकिन ये मालूम नहीं हो पाया कि आखिर उस पानी की टंकी के पास खेलने वाले बच्चे कहां गायब हो गए। पानी की ये टंकी नोएडा के सेक्टर 31 के बंगलो नंबर D5 से बहुत पास थी। पर उस इलाके में भी किसी को बच्चों की गुमशुदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पानी की उस टंकी को लोगों ने भूतिया मान बच्चों को उससे दूर रहने की चेतावनी दे दी। लेकिन खेल की मस्ती में बच्चों को सीमाओं का ध्यान कैसे रह सकता था? मई 2005 से लेकर जून 2006 के बीच निठारी के करीब 20 से ज्यादा बच्चे लापता हो चुके थे। उनमें से ज्यादातर लड़कियां थीं। ये माना जाने लगा कि इन बच्चों का अपहरण कर उनसे जबरन वेश्यावृत्ति करवाई जा रही थी। जानकारी में उपलब्ध देशभर की सारी ऐसी जगहों पर तलाशी का अभियान चलाया गया, लेकिन निठारी से गायब हुए बच्चों के बारे में फिर भी कोई पता नहीं चला। पूरा एक साल बीत गया और कोई भी बच्चा न मिला न वापस आया। फिर लगभग 1.5 साल के बाद एक अलग से मिसिंग केस ने इस सारे निठारी केस पर रोशनी डाली। एक सुबह 21 साल की पायल काम पर जाने के लिए अपने घर से निकली। उस दिन के बाद पायल कभी घर नहीं लौटी। पायल के लापता होने का केस उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स के पास आया जो बच्चों के गायब होने के केस पर काम कर रहे थे। लेकिन यह केस उनके लिए अलग था क्योंकि पायल कोई छोटी सी बच्ची नहीं बल्कि 21 साल की एक युवती थी। पायल के पिता नंदलाल निठारी पुलिस चौकी पहुंचे। अरे मुझे साहब से क्या हो रहा है? आने दो उसे, आने दो। हां क्या बात है? ये मेरी बेटी पायल खो गई है। बैठो। क्या उम्र है आपकी बेटी? 21 साल। वो वहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी। कहाँ पर? D5 सेक्टर 31 पर। आपने वहाँ जाकर पूछताछ करी? हाँ साहब, वहाँ तो कोई मोहिंदर सिंह नाम का आदमी रहता है, लेकिन उसका नौकर तो कह रहा है वो वहाँ आई नहीं। तो मोबाइल रखती है आपकी बेटी? हाँ रखती है, लेकिन जब से वो इंटरव्यू देने के लिए गई वो मोबाइल नहीं उठा रही है। वो ऐसा कभी नहीं करती। कोई दुश्मनी? कोई नहीं, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। वो ऐसी ऐसी लड़की नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है साहब कि इसको मोहिंदर सिंह ने ही गायब करवाया है। आप प्लीज जरा पूछताछ कर लीजिए। वो मोहिंदर सिंह
वो आदमी ठीक नहीं है सर, प्लीज। पुलिस ने सेक्टर 31 में रहने वाले मोहिंदर सिंह के घर पे पूछताछ की। वहां पुलिस को मोहिंदर सिंह के घर का केयरटेकर मिला। मोहिंदर सिंह जी को बुलाना। वो तो साहब गांव गए हुए हैं, एक हफ्ता हो गया है। कब तक आएंगे वो? कल तक आने के लिए बात कही थी उन्होंने। 3 दिन पहले ये लड़की यहाँ तेरे साहब से मिलने आई थी। अरे ऐसे कैसे हो सकता साहब, एक हफ्ते से तो मैं हूँ यहाँ अकेला। अगर वो घर पे नहीं होता तो क्या मेरी बेटी वहां जाती? उसे फोन करके उसको बुलाया था। नंदलाल जी आप बैठिए, कल मोहिंदर सिंह आ रहे हैं, हम उनसे पूछताछ करेंगे। अगर वो नहीं आया तो उसके नौकर ने उसे फोन कर दिया। मैं कह रहा हूं आपको, आप उसे गांव जाइए, उसे वहां से घसीट कर लेकर आइए। नंदलाल जी आप शांति रखिए। मैं कैसे शांति रखूं, जवान बेटी गायब हो गई है मेरी, वो कुछ भी कर सकता है। साहब आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। पायल के सेलफोन रिकॉर्ड साफ बता रहे थे कि गायब होने के समय से उसका फोन ऑफ था। उसके पिता नंदलाल ने मोहिंदर पर शक किया था। पुलिस ने इस शक को सीरियसली लिया और मोहिंदर को पकड़ने का एक प्लान बनाया। पंजाब पुलिस को उस पर नजर रखने की सूचना दी गई और यहां निठारी में मोहिंदर के घर के बाहर पुलिस ने अपना जाल बिछाया। रात दिन एक करके सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी मोहिंदर सिंह के इंतजार में उसके घर के बाहर तैनात रहे। कांच नीचे करिए। महेंद्र सिंह जी आप ही है? हाँ हाँ बाहर आइए। प्रॉब्लम क्या है जी? पुलिस स्टेशन चलना है जी। निठारी पुलिस चौकी से आए हैं, साहब ने बुलवाया है। इंस्पेक्टर साहब हैवी नहीं हूं मैं, अच्छा खासा बिजनेस है मेरा यहाँ पर, लोग जानते हैं मुझे यहाँ। किसी लड़की का इंटरव्यू नहीं लेता मैं घर बुलाकर। इस लड़की को जानते हो? जी नहीं, पहली बार देख रहा हूं इसे। आना जी सर। नंदलाल को ले आओ, इसे पहचानते हो? ना मुझे नहीं पहचानते हो। बता मेरी बेटी कहां है? नहीं तो देखो यही कहिए। तो तुम न पायल को जानते हो न नंदलाल को। एक ही सवाल कितनी बार पूछेंगे इंस्पेक्टर साहब आप? उतनी बार पूछूंगा जितनी बार तुमने पायल को फोन किया। 4 महीनों में 17 बार टेलीफोन रिकॉर्ड्स है मेरे पास। अब आखिरी बार शराफत से पूछ रहा हूँ, पायल को जानते हो या नहीं? जानता हूँ, इन दोनों को जानता हूँ। झूठ बोलने की वजह? देखिए मेरी कई रखेल है और उन कई रखेलों में से ये एक रखेल है पायल। और ये नंदलाल, ये बाप कम दल्ला ज्यादा है, पूछे इससे। साहब ये मेरी बेटी के साथ पोकर में मजा मारना चाहता है, इसे पूछे, इसने अगवा करा है मेरी बेटी को। ओए औकात में रहे अपनी औकात में, हाथ के मैल के बराबर की कीमत नहीं है तेरी बेटी पायल की। हर महीने तू मिलाता हुआ पैसे लेने कौन आता था मेरे पास? तेरा बाप? किस दिन इंटरव्यू ले रहे थे आप उसकी? काहे का इंटरव्यू इंस्पेक्टर साहब? तनख्वाह देता था मैं इसकी बेटी को मुझे खुश करने के लिए, क्या करूं शौकीन जो हूं। लेकिन मैंने उस दिन उसे घर नहीं बुलाया था। उसके गायब होने के 2 दिन के बाद मैंने फोन किया था, क्या करूं तलब जो लगी थी मुझे। लेकिन उसका सेल ऑफ आ रहा था इसलिए मैंने इस कमीनी के सेल पे फोन कर दिया। उल्टा ये मुझ पे चढ़ने लगा, कहने लगा कि मेरी बेटी को गायब किया तूने, पैसे दे और दिवाली है क्या? पुलिस ने मोहिंदर सिंह को छोड़ दिया। पायल का अभी कोई अता पता नहीं था, शायद मोहिंदर सिंह ने उसे फोन नहीं किया था। लेकिन वो सेक्टर 31 गई तो थी जहां मोहिंदर का बंगलो था। अगर वो वहां उस बंगले में नहीं गई थी तो फिर कहां गई थी, किसने उसे बुलाया था,
पायल कब और कहां कैसे गायब हुई थी? साहब वो जैसी भी थी, मैं कैसा भी हूँ, लेकिन मेरी बेटी है साहब, कुछ कीजिए साहब आप प्लीज कुछ कीजिए ताकि वो फिर से धंधे पे लग जाए। हाँ क्या ही अभी सर, ये लड़की एक प्रीपेड सिम कार्ड इस्तेमाल कर रही थी, गायब होने के एक दिन पहले ही चेंज किया था। रिकॉर्ड मिला उस कार्ड का? सर कंपनी बता रही है कि कार्ड फेंक दिया गया है, इसलिए नंबर नहीं मिल रहा है। शायद ये फोन मिल जाए तो नंबर मिल सकता है। जिस दिन से पायल गायब हुई थी उसी दिन से उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। हर मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है, यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। इस नंबर को ट्रैक करने से फोन ट्रैक किया जा सकता है और पुलिस तुरंत इस प्रक्रिया में लग गई। करीब एक महीने तक पुलिस ने पायल के मोबाइल के IMEI नंबर की मदद से उसके फोन को ट्रेस करने की कोशिश की। दिसंबर 2006 में पुलिस को उस मोबाइल फोन का सही ठिकाना मालूम हुआ। क्या नाम है तेरा? साहब जी राजपाल मेरा नाम है। फोन में इस्तेमाल हो रहे सिम कार्ड की मदद से पता चला कि वो फोन बरोला गांव के राजपाल नाम के आदमी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। फोन में सिर्फ सिम कार्ड मेरा था साहब जी, पर मैं उसे इस्तेमाल नहीं करता साहब जी, उसे तो मेरा दोस्त संजीव गुजर इस्तेमाल करता है। कहाँ मिलेगा वो? वो यहीं पास में रहता है साहब जी। चल ले चल उसके घर। हाँ चलिए चलिए साहब जी। कहाँ से आया तेरे पास ये फोन? साहब परसों ही एक रिक्शा वाला है उसी से खरीदा था। कहाँ मिलेगा ये रिक्शा वाला? यही पास में स्टैंड में, बरोला स्टैंड। चल दिखा। संजीव गुज्जर की मदद से पुलिस उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर तक पहुंच गई जिसने संजीव को वो मोबाइल फोन बेचा था। एक पैसेंजर बैठा था नोएडा से बरोला के लिए, गाड़ी में मोबाइल भूल गया तो मैंने उसे बेच दिया। पापी पेट का सवाल है साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। नोएडा में कहां से उठाई थी सवाल? सब सेक्टर 31 से। इस घटना से मिले सुराग फिर एक बार नोएडा के सेक्टर 31 की ओर इशारा कर रहे थे। परेशान क्यों हो रहा है? जिस आदमी ने सेक्टर 31 से उस ऑटो रिक्शा में सफर किया था वो मोहिंदर सिंह के घर का केयरटेकर था, लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी। वो आदमी अपना मोबाइल फोन उसी ऑटो रिक्शा में भूल गया था। इसका सिम कार्ड कहाँ है? वो मेरे पास है साहब, ये है साहब। ये सिम कार्ड एक प्रीपेड कनेक्शन था किसी सुरेंद्र कोहली के नाम। अब ये सुरेंद्र कोहली कौन था? पुलिस ने इस सिम कार्ड के सारे फोन रिकॉर्ड्स हासिल किए। सुरेंद्र कोहली का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स की जांच की। और ये नंबर, ये लैंडलाइन नंबर, इसमें बहुत बार फोन हुआ और ये कॉमन है। एक नंबर मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स में बार बार दिखाई दे रहा था। ये नंबर था नोएडा इलाके का। सेक्टर 31 की एक कोठी में फोन की घंटी बजी। उस कोठी का नंबर था D5 और वो कोठी थी मोहिंदर सिंह की। हेलो, किसका नंबर है ये? हमरे साहब जी मोहिंदर सिंह का, और किसका? ये D5 सेक्टर 31 वाले मोहिंदर सिंह जी तो नहीं? जी साहब जी, मगर आप कौन बोल रहे हैं साहब जी? उनसे कहो तुरंत निठारी चौकी पर आकर मिले। ये क्या है इंस्पेक्टर साहब, आप बार बार मुझे सवाल पूछने के लिए बुला लेते हो यहाँ पर? 6892139913, ये किसका नंबर है? मुझे नहीं पता। इस नंबर से पायल के मोबाइल पर काफी कॉल्स किए गए और इसी नंबर से आपके लैंडलाइन पर भी काफी कॉल्स किए गए हैं। क्या इंस्पेक्टर साहब, अरे भाई मैं मेरे घर में अकेला नहीं रहता हूँ, पूरा स्टाफ है मेरा। सुरेंद्र कोहली? हाँ
मेरे घर का केयरटेकर है वो। अब उसने क्या किया? वो तो बेचारा 5 दिन से छुट्टी पर है, अल्मोड़ा गया है वो। क्यों गया है छुट्टी पर? इकलौता है वो अपनी माँ का, उसकी माँ की तबीयत खराब है इसीलिए गया है वो। और पुलिस को पता चला कि सुरेंद्र कोहली वही आदमी था जो उन्हें मोहिंदर सिंह के घर पर मिला था। उत्तराखंड अल्मोड़ा में पुलिस सुरेंद्र कोहली की तलाश में जुट गई, लेकिन वो अपने घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस को अब मोहिंदर सिंह पर भी शक होने लगा था, उसके घर की तलाशी ली गई। अपने गायब हो जाने वाले दिन क्या पायल मोहिंदर सिंह के घर पर आई थी? इस बात को पुख्ता करने के लिए पुलिस को सुराग की तलाश मिली। पुलिस को सुराग मिल गया। सर, लेडी सेंटर। पायल के पिता सच बोल रहे थे, उस सुबह यकीनन पायल मोहिंदर के घर पर आई थी। मैंने कहता था आपको इसी ने मेरी बेटी को मारा है। तूने मेरी बेटी को मारा है, पता कहाँ है मेरी बेटी, पता? ये साबित हो चुका था कि सुबह पायल नोएडा के सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में आई थी। लेकिन सवाल ये उठता था कि अब पायल कहाँ थी? इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, रब दी सौ इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता पायल कहाँ है। मैंने उस दिन उसे घर नहीं बुलाया था, ना ही मेरी फोन पर बात हुई थी। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। काफी सच कह चुके हो अब तक आप मोहिंदर सिंह जी। अब जो कुछ भी कहेगा आपका नौकर सुरेंद्र कोहली कहेगा। अब या तो आप उसको पकड़वाने में हमारी मदद कीजिए, या फिर पायल का बिल मैं आपके सर पे फाड़ता हूँ, देख लीजिएगा। मोहिंदर अब फंस चुका था। सुरेंद्र कोहली की तलाश में पुलिस की मदद करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ सुरेंद्र कोहली अल्मोड़ा से भागने की फिराक में था। मोहिंदर सिंह को सुरेंद्र कोहली के घर से उसका नया फोन नंबर मिला। हेलो सुरेंद्र। हाँ साहब जी। कहाँ है तू? पुलिस मेरे पीछे पड़ी साहब जी, पता नहीं क्यों घर भी गई थी साहब जी। कि सब क्या हो रहा साहब जी? तू अभी कहाँ है साहब जी? मैं अल्मोड़ा छोड़ रहा हूँ, मैं पंजाब जा रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है साहब जी। मैंने तो कुछ किया भी नहीं साहब जी, मेरी मदद करिए साहब जी। ठीक। पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। निधारी से अल्मोड़ा पुलिस को सुरेंद्र कोहली के हुलिये के बारे में जानकारी मिली।
सिर्फ सुरेंद्र कोहली पायल के गायब होने के राज का खुलासा कर सकता है। सुरेंद्र कोहली की गिरफ्तारी ने पायल के गायब होने का भेद खोल दिया था, पर क्या यह केस बच्चों के लापता होने के केस से जुड़ा था? वो सारे बच्चे जो 1.5 साल से निठारी से गायब हो गए थे। निठारी के बच्चों को लापता हुए 1 साल और 6 महीने हो चले थे। बच्चों के माँ बाप उनकी खबर पता जानने के लिए बेसब्रे थे। उनका ये लंबा इंतजार अब खत्म होने की कगार पर था। जी हाँ, पायल का केस और इन बच्चों का केस जुड़ा हुआ था, और इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी एक बहुत ही भयंकर, खूंखार और डरावनी हकीकत थी जिसने सारे देश को हिलाकर रख दिया था। कल इसी समय हम पेश करेंगे इस केस का शेष भाग। पता करते हैं कि निठारी में आखिरकार हुआ क्या था। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।